हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव की जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, और इन्हें परेशान किया कोरोना और उनसे बचने के प्रयासों ने। पिछले कई महीने से दुकानें बंद है, अब इनमें से तो कईयों के पास पुरखों की संपत्ति तो है नहीं जो सालों तक बैठ के खा सके, अपना पालन कर सके, बल्कि इनमें से तो कई ऐसे हैं जिन्हें अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को भी दो वक्त का खाना जुटाने में मुश्किल हो रही है। आखिर सरकार या संबंधित दोस्त आखिर कब तक मदद करेंगे? कई कोशिशों के बाद जलगांव के व्यापारियों को अब कुछ दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन वो भी व्यापारियों को खुशी नहीं दे पाए, क्योंकि 20 दुकानों से कम वाले मार्केट्स ही समय से खुलेंगे एवं बड़े मार्केट को सिर्फ 4 घंटे ऑनलाइन सेवाएं देने की अनुमति मिली है। अब समस्या ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए ग्राहकों का डाटा भी होना चाहिए, जो 90% व्यापारियों के पास है ही नहीं। जिनके पास है वो लोग पहले से ही ऑनलाइन काम कर ही रहे हैं, तो फिर मार्केट्स को इस तरह से खोलने का क्या मतलब है? जब दुकानदार ही दुविधा में हैं, तो बिजनेस कैसे करेंगे? फिलहाल तो उस हिसाब से फोटोज वगैरह क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे डाल के हम लोग बिजनेस करने का ट्राई कर रहे हैं, और बाकी आगे देखते हैं जैसा होगा। ते भी काही शर्तींनुसार आम्हाला मंजुरी दिलेली आहे प्रशासनाने, त्यांची आम्ही तर धन्यवाद करतो। त्याच प्रतीने आम्ही कस्टमरांना होम डिलिव्हरीची सर्विस देऊ शकतो आणि ते आम्ही पूर्ण करू, त्या गोष्टी सर्व आम्ही पालन करून सनच व्यापार करू। शहर के गोलानी मार्केट में तो कई दुकानें खुली हुई भी थी जो साफ सफाई की बातें कर रहे थे, और यहाँ भी असमंजस तो था ही, लेकिन पापी पेट का सवाल है तो दुकानें खोल दी गई और ग्राहकों का जमावड़ा भी देखा गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज तो नदारत ही थी। अगर व्यापारी नियम या कानून का पालन करेंगे या करवाएंगे नहीं, तो प्रशासन फिर से समूची दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर होगा। ये चेतावनी भी अधिकारियों द्वारा दी गई है। 20 वर्षा कमी लोकांना आपण संविषम प्रमाणे वेळा आणि दिशा निश्चित करून दिलेली आहे, त्या पद्धतीने त्यांनी ओपन करायचं आहे समविषम पद्धतीने। आणि जे मोठे मार्केट्स आहेत, त्या मोठ्या मार्केटमध्ये 20 पेक्षा जास्त जी दुकानं आहेत, त्यांनाही त्यांनी होम डिलिव्हरीच्या बाबतीमध्ये समान प्रकारचे निकष त्यांनी करायचे। आणि जरी आपण त्यांना होम डिलिव्हरी म्हटलेलं असेल, तरी ह्या ज्या आपल्याकडे त्यांनी दिलेल्या पूर्ण अटी शर्ती आहेत, त्याचं पालन त्यांनी पूर्णवशाने करायचं। कोरोना के आगे सभी हार गए हैं, जिन्हें इस बीमारी ने नहीं पकड़ा है वो खुशनसीब ही हैं, और उन्हें लापरवाह होने से पहले उन मरीजों या उनके घर वालों से बात कर लेनी चाहिए जिन्होंने पीड़ा सहन की है। आप सभी अपना ख्याल रखते हुए नियम कानून का पालन करते हुए व्यवसाय करें, ताकि परेशानी किसी को भी ना हो। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब ऐप जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना? यस, ऐप जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। ऐप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव।